इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, लाइंग बिटवीन, ठीक है, तो जो नंबर है वो 100 और 1000 के बीच में है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 105, फिर होगा 110 और लास्ट क्या होगा 995, क्योंकि यहां पर बिटवीन दिया हुआ है। हमें इसका सम निकालना है इन सारे नंबर्स का, तो ये नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी, कॉमन डिफरेंस ही 5 आया है तो इसमें एपी तो फॉर्म होगी। अब यहां पर देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 105, डी कितना हो गया 5, एल कितना है 995, तो हम एन निकाल लें तभी तो सम निकलेगा, एल इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल की वैल्यू 995, ए इज 105, एन माइनस 1 और डी कितना है 5, तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा 0, 9 और 8, 890 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5, तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, बन जा 5, 5 3 कैरी हो गया, 7 जा 35 4 कैरी हो गया, तो 5 8 जा 40, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल्स टू 179, यहां से n कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 178 प्लस 179, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, सम, तो s कितना होगा इसका 179/2, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस l वाला अप्लाई करें, ठीक है ना, a इज 105 और l इज 995, तो हमारे पास कितना आ गया 179, यहां पर हो जाएगा 10, क्या हो गया 9, 10, 1, 10, 11, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 10, 5, 5, 0, तो अब आंसर इसका क्या आ गया, सम का 179 × 5, 5, 0, देखो वो 79 को 55 से इंटू कर लेते हैं, बाद में एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा, तो 179 × 55 कर रहे हैं 9, 5, 45, 4, 5, 7, 35 और 4, 39, 3, 5, 5 और 3, 8, ठीक है। अब बिल्कुल नीचे भी यही आएगा 5, 9, 8, तो आ गया 5, 9 और 4, 9 और 5, 14, कैरी हो गया 1, 18 और 1, 9, 8, 4, 5, तो यहां जीरो भी तो है, तो आंसर इसका आएगा सम का 9, 8, 4, 5, 0, ये इसका आंसर होगा।